ठीक है गाइस, वेलकम बैक। सो आज की वीडियो में फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे हेक्स टोकन का। ये किस तरह का टोकन है, किस तरह से वर्क करता है, फ्यूचर टोकन में फ्यूचर पोटेंशियल है इसमें या नहीं, आपको बाई करना चाहिए या नहीं बाई करना चाहिए, ऐसे सारे सवालों का जवाब आपका ये वीडियो होने वाली है। इसी वीडियो में हम डिटेल इंक्लूड कर लेंगे पल्स चेन की, उसके रिगार्डिंग काफी ज्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी, तो एक ही वीडियो में दो खत्म हो जाएंगे। एंड क्योंकि काफी हद तक ये दोनों इंटर रिलेटेड है, सो हमें अलग अलग करने की जरूरत नहीं है। तो स्टार्ट करते वीडियो। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस कर दो ताकि आपको सारी अपडेट टाइम पे मिलती है। एक नया चैनल है क्रिप्टो रिपू, जो आप स्क्रीन पे देख सकते हो फीचर्ड चैनल में, इसको भी सब्सक्राइब कर लो क्योंकि इस पे मैं जो कंटेंट डालूंगा दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी बेनिफिशियल फॉर यू। एंड आज से कंटेंट डालना स्टार्ट कर दूंगा एंड शाम की वीडियो में मैं डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा किस टाइप का कंटेंट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो क्रिप्टो रिव्यू पे। तो दोनों चैनल पे ही साइमल्टेनियस कंटेंट जो कंटेंट है वो अवेलेबल होगा। बेसिक डिटेल अगर देखें तो 0.03037 डॉलर पर भी करंट में ट्रेड कर रहा है एंड अभी वेरी करके 0.04 मतलब 0.03049 तक चला गया था। अगर इसकी सेल्फ रिपोर्टेड सर्कुलेटिंग सप्लाई की बात करो तो 173.41 बिलियन है, 173.41 बिलियन। एंड इसकी अगर टोटल सप्लाई की बात करोगे 633.54 बिलियन है करंट में। एंड अगर इसकी मार्केट कैप की बात करोगे तो दैट इज 5.26 बिलियन डॉलर की, विच इज क्रिएटिंग अ डाउट इस प्रोजेक्ट को इतनी मार्केट कैप मिलना किसी भी तरीके से फिजिबल नहीं दिख रहा है। तो काइंड ऑफ लाइक इसकी सेल्फ रिपोर्टेड सर्कुलेटिंग सप्लाई है उसमें कुछ ना कुछ इश्यू है, अपडेटेड नहीं है। और अगर कॉइन गेको पे आप जाके देखो तो वहां पे तो सर्कुलेटिंग सप्लाई दिखाई नहीं रहा है, सो दैट इज क्रिएटिंग अनदर डाउट। अगर आपको बाई तो नहीं करना वैसे भी, मैं पहले बता दे रहा हूँ, लेकिन फिर भी कहाँ कहाँ पर अवेलेबल है, मोर ऑफ द पेयर इसके डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पर अवेलेबल है, यानी ज्यादा पेयर डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे, और फिर टियर 3 जो जितने भी सेंट्रल एक्सचेंज है दो चार उन पे लिस्टेड आप देख सकते हो। यूनिस्वैप पे कितने सारे इसके पेयर लिस्टेड है। एंड आफ्टर दैट पोलोनेक्स पे बिटगट बीकेक्स एंड फिर क्विक स्वैप भी, जो क्विक स्वैप है वो भी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है। यूनिस्वैप के वॉल्यूम 2 पे भी अवेलेबल है, हॉटबिट यूबिट एंड हिटबिटीसी इस तरह के छोटे छोटे एक्सचेंजेस पे ये अवेलेबल है ना। यहां तक ठीक है, आगे थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं इसकी वेबसाइट पे। बेसिक चीज में अगर आपको बताऊं तो इस जो पर्सन ने जो क्रिएट किया है रिचर्ड हर्ट करके बंदे का नाम है, एंड उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल भी हम एक्सप्लोर करेंगे, उसके कनेक्शंस क्या है, क्या उसका पास्ट रहा है, वो थोड़ा वो भी एक्सप्लोर करेंगे। ही इज कॉन्स्टेंटली सेइंग कि ये जो हैक्स जो कॉइन है वो बिटकॉइन से बेटर है एंड बिटकॉइन का अल्टरनेटिव है एंड विल क्रिएट अ बेटर बिटकॉइन बाय मींस ऑफ हैक्स। एंड किस तरह से बेटर बिटकॉइन क्रिएट करेगा ही इज हैविंग अ प्रीटी मच मतलब एक्सप्लेनेशन अबाउट इट। Now, क्या क्या उसने एक्सप्लेनेशन दिए हैं अगर आप डिटेल में पढ़ोगे तो आप ऐसा समझ लो कि अगर मैं कान को यूं सीधा जाके पकड़ लूं, फिर इधर से जाके पकड़ूं, फिर इधर से जाके पकड़ूं, वो वाला सिनेरियो उसने किया है। ही इज कॉन्स्टेंटली सेइंग कि हैक्स टोकन मतलब बिटकॉइन से बेटर है एंड इसको वो भविष्य में चाहता है कि जो भी मतलब जो गोल्ड की मार्केट है वो हैक्स कॉइन कैप्चर कर ले जो टोकन है, बिकॉज बिटकॉइन अपने आप को एज एन अल्टरनेटिव, बिटकॉइन को हमेशा गोल्ड का अल्टरनेटिव देखा जाता है ना, स्टोर ऑफ वैल्यू की तरह। तो बेसिकली अगर इनका मोटिव देखा जाए, ही इज कॉन्स्टेंटली सेइंग दैट इट इज अ स्टोर ऑफ वैल्यू, यानी ये एक स्टोर ऑफ वैल्यू है, एक स्टोर ऑफ वैल्यू, अ टोकन क्रिएटेड ऑन इथेरियम, व्हाई नॉट इथेरियम। अगर ये एक उसके ऊपर बना हुआ टोकन ही क्यों मतलब स्टोर ऑफ वैल्यू है, डायरेक्ट इथेरियम को क्यों नहीं स्टोर ऑफ वैल्यू कर लेते जबकि उसके ऊपर एक होल इकोसिस्टम खड़ा हुआ है। बट यहीं से डाउट आपके माइंड में आ जाएगा कि ये जो डिटेल जो एक्सप्लेनेशन है विच आर नॉट फीजिबल। अब उसने क्या क्या डिफाइन किया कि बिटकॉइन 0 से स्टार्ट हुआ एंड इन्फ्लेटेड 12 साल में वो 18 मिलियन उसकी सप्लाई पहुंच गई, इन्फ्लेटेड लाइक दिस, तो हमारे में इन्फ्लेशन कम है, दैट इज चलो ठीक है, रीजनेबल है, क्योंकि हमें जो भी इन्फ्लेशन होना था वो शुरू के 12 साल में हो गया था और उसके बाद इन्फ्लेशन उन्होंने फिक्स कर दिया 3.69% पे पर एनम के हिसाब से, दैट इज फाइन, दैट इज रीजनेबल। एंड ये क्रिएट कैसे किया गया था 2019 में, 2 दिसंबर 2019 को ये स्नैपशॉट लिया गया था बिटकॉइन के होल्डर्स को, जो बिटकॉइन के होल्डर्स थे उनको ये फ्री में डिस्ट्रीब्यूट किया गया था एंड जो लोग इसको क्लेम कर रहे थे उनको 1 साल का टाइम था क्लेम करने के लिए, उसके बाद फिर क्लेम करने का टाइम नहीं था ना। अब इनका दूसरा रीजन के इन्फ्लेशन का यूजेज मतलब इन्फ्लेशन और बिटकॉइन जो मतलब उसका रिलेशन है उसको दिखाया, देन नेटवर्क के प्रोटेक्शन को दिखाया कि प्रूफ ऑफ वर्क उन्होंने प्रूफ ऑफ वेस्ट डिक्लेयर किया है, दैट इज ऑल्सो रीजनेबल, ठीक है चलो प्रूफ ऑफ वर्क को आजकल आउटडेटेड कंसिडर करते हैं। कॉम्प्लेक्सिटी कितना मतलब इट इज डिफिकल्ट टू माइन एंड एसिक माइनर मतलब की जो मतलब कंपनीज है वो जो एसिक माइनर बनाते हैं विच इज ट्रू, ऐसा करती है वो, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ जैसे आंट माइनर जो कंपनी है वो जब भी एडवांस वर्जन ऑफ जो एसिक माइनर बनाएगी मतलब जो एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड चिप्स जिससे ज्यादा हैश रेट अचीव किया जा सके,
तो वो पहले क्या करते हैं, पहले उससे खुद माइनिंग करके, जब उसकी माइनिंग लगभग ऑलमोस्ट प्रॉफिटेबल मतलब नहीं रहने वाली होती है, उसके बाद उसको सेल आउट करती है, और इस तरह के उस पर काफी ज्यादा क्रिएशन लगते रहे तो दैट इज फाइन। के मतलब ऐसा करते हैं, अगर आपको प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन करनी है, यू हैव टू कॉन्स्टेंटली री इन्वेस्ट इन टू द हार्डवेयर, और आपको इवन एनर्जी मतलब कॉस्ट पे आपको गेयरअप करनी पड़ेगी। क्लाउड माइनिंग, बीटिंग द कॉम्पिटिशन, नेगेटिव एक्सटर्नलिटी, इस तरह के काफी सारे उसने मतलब इसमें रीजन दिए हैं। Even the distribution of whales also, like how the whales are holding a lot of bitcoins, which is not true, because lot of bitcoins are already lost, stuck हैं ऐसी जगहों पे जो कभी भी circulation में नहीं आ सकते, और उसका reason है किसी के मतलब hardware wallet में lock है, किसी के computer में lock है, computer खराब हो चुका है, कोई अपनी key भूल चुका है, इस तरह के काफी सारे stories आपको already सुनने को मिलती होगी। So basically he's saying कि हमारा जो hex token है which is a store of value, क्योंकि हमारे में इन्फ्लेशन बहुत कम है और बिटकॉइन बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन है, हम एनर्जी कंज्यूम नहीं करते, एंड इस तरह के बहुत सारे मतलब रीजन। ही बेसिकली क्रिएटेड अ टोकन ऑन इथेरियम नेटवर्क एंड प्रिटेंडिंग टू बी कि ये बहुत बढ़िया टेक है एंड बहुत बढ़िया मतलब स्टोर ऑफ वैल्यू है, विच इज बुलशिट, मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड आई एम सेइंग इट, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एंड ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट आपको घटिया से घटिया दुनिया भर में मिल जाएंगे, अगर आपको इंडियन प्रोजेक्ट ज्यादातर देखने तो वो यही प्रॉमिस करते हैं, दूसरा बिटकॉइन बनने सीधा निकल पड़ते हैं विदाउट इवन हैविंग एनी फंडामेंटल्स एट ऑल। सो देयर इज अ लॉन्ग लिस्ट बिटकॉइन से अपने आप को बेहतर प्रूफ करने के लिए, उन्होंने सेवरल उसमें रही। अब जब भी आपको किसी भी प्रोजेक्ट में ऐसा दिख जाए श्योर शॉट का मतलब 1000x जाने वाला है, 10,000x जाने वाला है, सेकंड रेड फ्लैग है, आपको उससे तुरंत अलर्ट हो जाना चाहिए। एंड बिलीव इट व्हेन आई एम सेइंग इट, जस्ट मतलब बिलीव इट, देयर इज नो सेकंड बिटकॉइन, दुनिया में दूसरा बिटकॉइन क्रिएट नहीं होने वाला, बिटकॉइन इज ओनली वन एंड कोई उसका अल्टरनेटिव क्रिएट नहीं हो रहा, उससे बेटर टेक जो भी होगा पर दूसरा बिटकॉइन नहीं बनने वाला, इवन लाइक बिटकॉइन को कोई रिप्लेस नहीं करने वाला। नाउ दे हैव लाइक सेवरल, अगर आपको लिंक्स देखने उनके, मेरा ट्विटर का लिंक दिया है, go.hex.com का वेबसाइट्स का है, एंड ethex.com जो यूनिसेफ का फ्रंट एंड है, एंड उसके बाद चार्टिंग का भी बनाया उन्होंने कोई प्लेटफॉर्म, एंड सेवरल अदर लिंक्स यू कैन फाइंड। नाउ दैट इज फाइन, अगर आपको मतलब इतना रिटर्न उठाना है तो आप इजीली अपना वॉलेट कनेक्ट कर सकते हो और हेक्स टोकन बाय करके स्टोर कर सकते हो, बाय करके स्टोक मतलब स्टोर करोगे, जितना आप लॉन्ग टर्म तक होल्ड करोगे उतना ही ज्यादा रिटर्न उठाओगे, अगर आप जल्दी सेल आउट कर दोगे तो आपको उतना ही कम रिटर्न मिलेगा। सो जितना आप लंबा होल्ड करोगे, ये ज्यादातर स्कैम प्रोजेक्ट का होता है लॉन्ग टाइम तक मतलब इस तरह का मैकेनिज्म रखना ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग मतलब उसमें से एग्जिट ना लें, तो दैट इज ऑल्सो अनदर रेड फ्लैग फॉर दिस पर्टिकुलर टोकन, बट ठीक है, मॉडरेट रेड फ्लैग है, ज्यादा मतलब डीप रेड फ्लैग नहीं बोलेंगे। लेटर ऑन ही स्टार्टेड एन इनिशिएटिव दैट ही विल हैव हिज ओन अल्टरनेटिव चेन, जो इथेरियम का अल्टरनेटिव क्रिएट करने वाला है, पल्स चेन का टेस्टनेट लाइव है, एंड उसने बोला है क्योंकि जो हैक्स है उसके मतलब लाइक अगर हमें ट्रूली वैल्यू डेवलप करनी है तो उन्हें खुद की चेन चाहिए होगी जो इथेरियम से बेटर होगी और इथेरियम से बेटर टास्क मतलब एग्जीक्यूट करने में कैपेबल होगी। अब थोड़ा सा एक्सप्लोरर देख लेते हैं, एक्सप्लोरर पर आप जाकर देखो 582.4 बिलियन आपको सप्लाई यहाँ पे दिख जाएगी इथेरियम के एक्सप्लोरर पे। इसमें टॉप वॉलेट आपको दिखेगा सैक्रिफाइस वॉलेट, क्योंकि जिन लोगों ने सैक्रिफाइस किया यानी आपने अपने इथेरियम हैक्स टोकन जो भी सैक्रिफाइस वॉलेट में भेज दिया उनको अलॉटमेंट मिलेगा जब पल्स चेन आएगी उसमें, ऐसा उन्होंने अपने जो सैक्रिफाइस पेज है उस पर यह चीज डिक्लेयर की है। विच आई शो यू 43.029% सप्लाई ये सैक्रिफाइस वॉलेट होल्ड करता है, दैट इज फाइन। अब दूसरा जो बिगेस्ट होल्डर है इसका जिसके पास 17.16% सप्लाई है, लेट मी शो यू दिस, 283 दिन पहले पल्स का जो सैक्रिफाइस वॉलेट है उससे इसमें सप्लाई आई है 100 बिलियन, और उसके बाद थोड़ी बहुत सप्लाई और आई है, तो यानी जो सैक्रिफाइस वॉलेट से ट्रांसफर करी है सप्लाई इस वॉलेट में, और इस ये जो सेकंड बिगेस्ट होल्डर है अनदर लाइक थर्ड रेड फ्लैग इज वी कैन कंसीडर फॉर दैट, बिकॉज अगर जो थर्ड हमने ऑलरेडी माना है मतलब जो APR लॉन्ग टाइम के लिए ऑफर कर रहे हैं दैट इज मॉडरेट, तो ठीक है इसको आप थर्ड रेड फ्लैग मान सकते हो। नाउ द सेम थिंग यू कैन फाइंड ऑन द सोशल मीडिया चैनल के हैक्स किस तरह से 1000 गुना जाने वाला है, 2000 गुना जाने, इसमें गया भी है मतलब ऐसा नहीं कि नहीं गया, लेकिन बिल्कुल बिगनिंग से स्टार्ट हुआ तो जिन्होंने इनिशियली बाई कर लिया होगा उनको रिटर्न मिला भी है, क्योंकि एक टाइम तक $0.5 तक चला गया था एंड अभी तो काफी ज्यादा डाउन आ गया कंपेयर टू दैट। नाउ दिस आई ऑलरेडी सोन यू दिस इज द सैक्रिफाइस फेज, उसका पेज बनाया उन्होंने, इतनी वैल्यू लगभग लोगों ने इसमें कमिट कर दी है, एंड जो जिन लोगों ने जिस तरीके से कमिट किया है उनका उन्होंने स्नैपशॉट लेके रखा है, उसके अकॉर्डिंग उनको पल्स चेन में अलॉटमेंट मिलेगा एज दे हैव प्रॉमिस्ड, एंड दीज आर द टोकन विच हैव बीन सैक्रिफाइस्ड
यूएसडी कॉइन है, इसमें इथेरियम है, हेक्स है, टीथर है, डाई है, पॉलीगन से बाइनू, रैप बिटकॉइन एंड देन चेन लिंक वाइज टोकन, और ये आपको वैल्यू में दिख जाएगा कि कितनी वैल्यू के इन्होंने यहाँ पे सेक्रीफाइस किए। दैट फेज इज ऑलरेडी ओवर एंड उन्होंने बोला है कि जो इसका एक डेडिकेटेड डेक्स भी होगा पल्स एक्स करके, और जो मतलब जैसा जिस वॉल्यूम उन्होंने यहाँ पे मतलब सेक्रीफाइस किया है उसी तरीके से उनको अलॉटमेंट पल्स चेन में मिलेगा। नाउ लेटर ऑन देयर सो मेनी रिपोर्ट, अभी ये बंदे पहले हम उसकी थोड़ी सी लाइफ स्टाइल देख लेते हैं एंड देन वी विल गो टू द फर्दर डिटेल। ओके सो ही हैज क्रिएटेड अ डेडिकेटेड वेब पेज, जो उसने अपनी खुद की वेबसाइट बनाई है जिसका नाम है richardhart.com, और उस पर वो कॉन्स्टेंटली ये दिखाता है वो कितना रिच है। उसने ये ब्लैक डायमंड भी खरीदा है बिकॉज इतना सारा ऑलरेडी फंड उसके पास अवेलेबल है, ही माइट हैव बॉट इट, जो मतलब बहुत ज्यादा रेयर है, मिलियंस ऑफ मिलियंस ये पुराना है, 555 कैरेट इसकी अगर वो मतलब क्वालिटी देखे तो वो है। एंड उस हिसाब से ही इज कॉन्स्टेंटली शोइंग कौन सी इसके पास गाड़ी है, कौन से एंटीक पीसेस हैं, कौन से रोलेक्स हैं एंड इस तरह के एक्स्ट्राऑर्डिनरी शो ऑफ हाउ ही इज प्रो बिटकॉइन। और यहाँ पे इस पर क्लेम किया गया कि इसने परफेक्टली प्रिडिक्ट कर दिया था कि बिटकॉइन 20,000 तक टॉप पे जाएगा जब $5,000 पे ट्रेड कर रहा था। दूसरी साइकिल में इसने प्रिडिक्ट किया कि बिटकॉइन 60,000 तक जाएगा जो दोबारा में गया है, लाइक दैट विच इज टोटली बुलशिट, नोबडी इन मलाई ऑन एंटायर अर्थ कैन एग्जैक्टली प्रिडिक्ट द बॉटम एंड टॉप ऑफ एनी पर्टिकुलर क्रिप्टो करेंसी एंड यू कैन कंसिडर लाइक दिस। सो अनदर थिंग आफ्टर दैट आपको और भी इसमें फर्दर डिटेल मिलेगी, लेट मी शो यू, इसने ऑलरेडी ये बहुत सारे डायमंड एंड सफायर से इस तरह का एक लॉकेट बनवाया जैसा ये पहना हुआ आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे हैक्स का। सो रिचर्ड हर्ट मेक्स द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस, अ मसीहा लाइक सेल्फ मेड मसीहा, आप खुद की वेब पेज बना के अपने आप को डिक्लेयर करो दैट हाउ आई एम चेंजिंग द वर्ल्ड, कैसे मैं लोगों को बेहतर, लोगों की जिंदगी बेहतर बना रहा हूँ, इस तरह के बहुत सारे क्लेम्स। That is another sit drama and you can explore this. This guy is already associated with Methuselah Foundation. Methuselah Foundation is good, उसके साथ कोई दिक्कत नहीं है, but he is constantly accused of doing scam. He is a constant scammer and pathological liar. इसको Methuselah Foundation के बारे में आपको नहीं पता है तो Methuselah Foundation काफी ज्यादा limelight में आया था जब Vitalik Buterin ने जो donations किया था अकेटा इनू डॉगिलॉन मार्स और शिबा इनू का, तो जो डॉगिलॉन मार्स दिया था वो Methuselah Foundation को दिया था, a lot of buzz was there at that time and he is constantly supporting that organization. Methuselah Foundation ka naam Methuselah Foundation kyun pada hai, because Methuselah ek mythological character hai Christian philosophy mein jisme ye mana jata hai ki wo 1000 saal tak jiya tha, aur Methuselah Foundation ka jo aim hai wo ye hai ki cells ka jo regenerative jo rate hai usko badha ke is level tak pahunchaya jaye ki matlab insaan ko zyada matlab jeene ka matlab ab matlab jo life span uska zyada badh jaye। एंड उनका टैगलाइन भी है 90s इज द न्यू 50 इस तरह का। एंड Methuselah मतलब लाइक ये तो क्रिश्चियन फिलोसफी में, इवन अब अगर आप अपने इंडिया में मतलब जो भारतीय उसमें देखोगे मैथोलॉजी में तो उसमें तो आपको इवन इमोर्टल्स भी मिल जाएंगे, वी हैव सेवन इमोर्टल्स जिन जो इनके आप नाम ऑलरेडी सुनते हो, अश्वत्थामा, महाबली, व्यास मुनि, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य, परशुराम एंड मार्कंडेय ऋषि, एंड इवन वी हैव द मैथोलॉजिकल करेक्टर हु इज बियॉन्ड द टाइम, लाइक आपने काक भुसुंडी का नाम सुना होगा एंड देयर इज अ कांस्टेंट रेफरेंस ऑफ पैरेलल यूनिवर्स आल्सो इन अवर स्क्रिप्चर्स। दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक बट आपका भी टाइम मिले तो इस टॉपिक को भी एक्सप्लोर करना काफी इंटरेस्टिंग है। इवन द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द लाइफस्टाइल मतलब लाइफ थिंग ऑफ लाइक काक भुसुंडी, हु इज ही, आप एक्सप्लोर करना। सो उसके साथ भी मतलब काइंड ऑफ लाइक इसके पहले रूट रहे। आफ्टर दैट देयर सो मेनी रिपोर्ट्स डिबंकिंग हिज लाइज रिगार्डिंग जो इसने बोला है कि मैंने इस तरह से मतलब कॉन्स्टेंट मतलब जो साइकिल है वो परफेक्टली प्रिडिक्ट किया एंड ऑल दैट। एंड अभी अगर करंट कंडीशन देखो देयर सो मेनी आर्टिकल्स यू कैन फाइंड आउट लाइक बहुत सारे एक्स फाउंडर फाउंड टू बी नोटोरियस क्रिमिनल, और उसके जो पहला मतलब टैगलाइन है दैट इज स्पैम किंग इज रनिंग अ मेटा स्कैम, आप ऐसा कंसिडर कर सकते हो। And he's nowadays, I think he's sentenced for 20 years in jail और arrest कर लिया गया था and उसके बाद शायद इसको jail हो गई थी। I'm not, I couldn't find that report, but I have seen several articles regarding this. Now come to a point कि आपको buy करना चाहिए नहीं करना चाहिए। It's a big big no। चाहे कितना भी इसमें potential देने का मतलब वो condition हो इसमें, आप मतलब रिटर्न देने की पोटेंशियल हो, आपको नहीं बाई करना चाहिए। मैं आपको कुछ रीजन बता रहा हूँ। जब भी कुछ एक डिपेंडेंसी हो जाए एक ही बंदे के अराउंड एक क्रिप्टो मतलब करेंसी घूम रही है या सेंटर्ड है एक पर्सन के लिए, वो कुछ ज्यादा ही उसका इन्फ्लुएंस है उस पर, जस्ट रन फॉर योर लाइफ, डोंट डू इट। मतलब चाहे कितना भी उसमें रिटर्न देने की कैपेसिटी हो,
अपना हार्ड अर्न मनी पुट समवेयर एल्स जहां पे आपको मतलब थोड़ी सिक्योरिटी हो कि वहां पे पैसा डूबेगा नहीं। सेकंड थिंग द वे ही कॉम्प्लेक्स मतलब कॉम्प्लेक्स तरीके से एक्सप्लेन कर रहा है ना, मतलब एक टोकन बना के इथेरियम पे एंड प्रिटेंडिंग टू बी लाइक द बेस्ट थिंग एवर हैपेंड लाइक बेटर देन बिटकॉइन एंड एवरीथिंग, टोटली बुलशिट, डोंट इवन बिलीव इट। मेरे हिसाब से ना आपको पल्स चेन बाई करना चाहिए ना आपको हैक्स बाई करना चाहिए, दोनों ही कॉइन से मेरे हिसाब से आपको बिल्कुल दूरी बना लेनी चाहिए। आपके पास बहुत सारे अल्टरनेटिव अवेलेबल हैं 50, 60 इवन 100x वाले, गो फॉर इट एंड ऐसे कॉइन से आपको बिल्कुल ही दूर रहना चाहिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, आई होप लाइक द वीडियो, वीडियो अच्छी वीडियो लाइक जरूर करें एंड मेक श्योर सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू गाइस।